खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल जो दिल जो बहुत अमदाबाद। रब ने फरमाया इतना बड़ा पल्ला तो है
लेकिन मैं जिस बंदे से राजी हो गया, बंदा मुझे राजी कर लिया, तो जिस बंदे से मैं राजी हो गया वो बंदा अगर एक हुजूर सच्चा कर दे, एक हुजूर सच्चा कर दे, एक हुजूर की बरकत से दोनों पल्ला भर दिया जाएगा। इसलिए दीवानों खूब जमाया करते हो, दौलत खूब जमाया है, हम बैंक बैलेंस कर रहे हैं, मरने के बाद क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमने घर बनाया है, कोठी बना बनाया है, अरे दुनिया वालों बनाना ही है तो कब्र की मंजिल को संवारो, कब्र को संवारो, मस्जिद किराया अमीर करो, वो पैसे जो नेक काम में खर्च किए जाते हैं, मस्जिद में खर्च किए जाते हैं, मस्जिद की तामीर में, उस पैसे का हिसाब नहीं होता। जिस पैसे को खाया है आपने, दस्तरखान में किसी मेहमान को खिला दिया है, तो खाने का हिसाब नहीं होता। अल्लाह एक एक पैसे का आप हिसाब लेगा, एक एक पैसे का हिसाब लेगा मैदान महशर में वहां। लेकिन जिस पैसे को आपने नेकियों में खर्च कर दिया है, अच्छे काम में खर्च किया है, उस पैसे का हिसाब खराब नहीं होगा। इसलिए दुनिया वालों आज उसकी महफिल में आए हो, उसकी मजलिस में आए हो, अगर हिसाब से बचना चाहते हो, हिसाब से बचना चाहते हो, तो आओ वली के नाम पर यहाँ देते जाओ, और ये उलमा गवाह हो जाएंगे, ये उलमा गवाह हो जाएंगे, आप बख्श हो जाएंगे। इसलिए दीवानों आओ उठो, वली के नाम पे उठो, जो माँ बाप का चहेता है, जो माँ बाप का दीवाना है, माँ बाप का फरमा बरदार है, उठे और अपनी जगह से उठकर यहाँ उलमाए किराम का गवाह बनाकर 10-20-100-50 जिनसे जो बन पड़े वली के नाम पर देते जाओ। कसम खुदा की वही पैसे जो नेकियों में खर्च किए गए हैं, अच्छे काम में खर्च किए गए हैं, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होना है। तो आप अगर चाह रहे हैं जो पैसे कमाए गए हैं, दौलत इकट्ठा किया गया है, उस पैसे का हिसाब रब्बी आगा में नहीं देना चाहते हो, तो आओ यहाँ देकर चले जाओ मेरे भाई, आओ। लेकिन मैं बताऊं, वो मीजान अमल जिसमें बंदूक के अमाल तोले जाएंगे, वो किसी दुनियादार के हाथ में नहीं होगा। रोटा हाथ के बराबर आपके हाथ में होता है, आप रंगी मार लिया करो, लेकिन वहां मैदान महशर में अर्ज के दाएं दानी जब मीजान अमल लगेगा, जिसमें बंदूक के अमाल तोले जाएंगे, वो फरिश्तों के हाथ में होगा, हजरत जिब्रील के हाथ में, हजरत जिब्रील के हाथ में होगा। और रब फरमाएगा हजरत आदम से, हे आदम अर्श के दाएं जाने चले जाओ मीजान करीम के पास, देखो तुम्हारे बेटे के आमाल तोले जा रहे हैं, जिनकी नेकियां ज्यादा हो दरअसल जन्नत उसे जन्नत में दाखिल कर दो, और जिनकी बुराइयां ज्यादा हो जाए और दरअसल नार उसे जहन्नम में दाखिल कर दो। और फरिश्ते आपको वजन तोल रहे हैं, वजन किया जा रहा है, जिनकी नेकियां ज्यादा हो रहे हैं उसे जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, जिनकी बुराइयां ज्यादा हो रहे हैं वो जहन्नम में जा रहे हैं। होना एक ऐसा सत्य भी है जिनके दोनों पल्ला बराबर बराबर हो गया है, मीजान अमल में तौला जा रहा है, जिनकी नेकियां ज्यादा है वो जन्नत में जा रहे हैं, जिनकी बुराइयां ज्यादा हो रही है वो जहन्नम में जा रहे हैं। लेकिन एक सत्य ऐसा है जिनके नाम है आमाल का, मीजान अमल का दोनों पल्ला बराबर, दोनों पल्ला बराबर बराबर, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन रब का हुक्म है, बराबर बराबर हो गया है, ये फरिश्ते इसे भी जहन्नम में दाखिल कर, अल्लाह इसे जहन्नम का हुक्म हो गया है, बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है, मुर्मुर कर पीछे देख रहा है, फिर पीछे देख रहा है, फरिश्तों की नजर पड़ी, ये बंदा पीछे क्या देख रहे हो, खुदा का हुक्म हो गया है जहन्नम जाने का, तुझे जहन्नम में चला जा। बंदे ने कहा मुझे जहन्नम का हुक्म हो गया है, मैं जा तो रहा हूँ जहन्नम जा रहा हूँ, मुझे यकीन हो गया है मैं जहन्नम भी हो गया हूँ, जहन्नम में डाला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने उस आकाए करीम को देख रहा हूँ जिस पर दुनिया में मैंने दुरूद पढ़ा करता था, जिन पर मैं दुनिया में दुरूद पढ़ा करता था, जहाँ नबी सलाम अलैहि करता था, जिनका कलमा ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, मैं अपने उसी नबी को देख रहा हूँ, उसी आका को देख रहा हूँ कि मेरे नबी है कहाँ, मेरे नबी कहाँ है। इतने में हजरत आदम नबी कौन से फरमाते हैं यार, हजरत आदम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह
वो तेरा तेरी उम्मती है जिनको जन्नत का हुक्म हो गया है, जहन्नम जा रहा है, लेकिन पलट पलट कर मुड़ कर आपके जमाए जहां आ रहा है देखना चाह रहा है। बाहर आते हैं और बंदे के कहीं जा रहे हैं, फरिश्ते कहते रुक जा, ये मेरा दीवाना है रुक जा, फरिश्ते कह रहा है नहीं, खुदा का हुक्म हो गया जहन्नम का, इसे जहन्नम में जा रहा है डाल देना है। फरमाते हैं या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था कि तू तेरे तुझे तेरी उम्मत के ताल्लुक से गमगीन नहीं किया जाएगा, लेकिन या अल्लाह मेरे इस बंदगी को जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह इतना कहना था आका रब किया है तो हुक्म होता है, एक रीते देख ले मेरा हबीब क्या कह रहे हैं सुन तो लो। आका फरमाते हैं एक फरिश्ते मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इस उम्मती के आमाल लाखों दोबारा तोला जाए फिर दोबारा रब के हुक्म के मुताबिक उनके आमाल को दोबारा तोला जा रहा है। जब तोले जा रहे हैं नेकियां एक तरफ है बुराइयां एक तरफ है, जब तोला जा रहा है इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकालते हैं और कागज का टुकड़ा निकाल कर नेकी वाले पल्ले पर रख देते हैं। जैसे ही नेकी वाले पल्ले पर रखा है नेकी का पल्ला भारी हो गया है। भारी हो गया है दीवाना पूछा या रसूलल्लाह ये कौन सा कागज का टुकड़ा था ये रखने के बाद नेकी का पल्ला भारी हो गया है। आप दीवानों सुनो आका फरमाते हैं ए मेरे दीवाने तुमने दुनिया में मुझ पर एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था, किसी दुरूद की बरकत से दुरूद की बरकत वाला पर्चा था उस पर्चे को मैंने नेकी वाले पल्ले पर रखा है और उसी की बरकत यह है कि नेकी का पल्ला भारी हो गया है। नेकी का पल्ला भारी हो गया है इसलिए मैं कहूंगा कि आप चलते फिरते दुरूद पढ़ते रहेंगे, मार्केट जाए दुरूद पढ़ते पढ़ते चले जाए, घर आए दुरूद पढ़ते पढ़ते आ जाए, फिर जब सोने की बारी आए बावजूद दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाइए इंशाल्लाह मकाम बुलंद हो जाए। इसलिए दीवानो जो लोग मदीना जाना चाहते हैं मदीना जाना चाहते हैं वो नबी पर प्याला पिया दुरूद पढ़ते रहे दुरूद पढ़ते रहे, कसम खुदा की दुरूद की कसरत कर लेंगे दुरूद पढ़ने की आदत डाल लेंगे यकीन जानिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ बुला लेंगे। और मदीना शरीफ जाना हो हज के लिए या उमरे के लिए और मुझसे रास्ता कर लें ताकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो कोई परेशानियां ना हो, आपको यहाँ से लेके जाएंगे फिर यहाँ लाके छोड़ेंगे ये खिदमत है बेहतरीन खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आप आयशा से या मुझसे रास्ता कर लें इंशाल्लाह आपको बेहतरीन और अच्छे अंदाज से बड़ी सहूलत के साथ किफायती रियायती अंदाज में आपको पूरा कराया जाएगा इंशाल्लाह। मेरे भाई उर्स की महफिल में आए हैं। अच्छा एक बात बताऊँ मौजूद कुछ और है लेकिन मैं चलते में ये बताऊँ कि उर्स में आए हो मेरे भाई उर्स क्या है उर्स क्या है अल्लाह के वली सोने की याद मनाना जिसको उर्स कहते हैं उसी की याद मना रहे हैं उनके तस्करे कर रहे हैं लेकिन दुनिया वालों याद रखना मरने से पहले पहले किसी अच्छे पीर से मुरीद हो जाना मरने से पहले पहले किसी अच्छे पीर से मुरीद हो जाना मुरीद होने की क्या फजीलत है क्या बरकतें हैं इंशाअल्लाह वक्त नहीं वरना बताता लेकिन याद रखना कि मुरीद हुए बगैर इस दुनिया से मत जाना इस दुनिया से जब जाना तो मुरीद होकर जाना यकीन जानिए मुरीद क्या है पीर क्या है इंशाअल्लाह अगर मौका होगा तो मुरीद और पीर होगी और ये बताऊंगा कि मुरीद होना क्यों होना क्यों जरूरी हो बताया जाएगा लेकिन मेरे भाई उसको भारत क्या होता है अब तो मनान साहब 250 रुपए जनाब मौलाना अब्दुल मनान साहब साबित सरपंच जिन्होंने 250 रुपए का ऐलान किया है फिर अल्लाह उन्हें जजाया खैर अता फरमाए दे दिए हाँ